नमस्कार मित्रों, भगवान कल्कि अवतार की यह दुर्लभ कथा जो आप देखने जा रहे हैं, कल्कि पुराण जो महर्षि व्यास जी द्वारा आज से हजारों साल पहले अपनी दिव्य दृष्टि द्वारा संस्कृत भाषा में लिखी गई थी, को हिंदी में रूपांतरित कर आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। अगर आप वाकई में भगवान कल्कि अवतार के बारे में सही और सत्य जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर है। वीडियो में अंत तक बने रहिए। इस प्रस्तुति में हम जानने वाले हैं कि कैसे भगवान कल्कि और अश्वत्थामा का मिलन कलयुग में होगा और भगवान कल्कि जी के बारे में वो 10 रहस्य जो आज तक हमसे छुपाए गए, साथ ही जानेंगे कि भगवान कल्कि जी के शरीर पर वो कौन से 3 निशान होंगे जो उन्हें अवतार साबित करेंगे और भगवान कल्कि जी के शक्तिशाली अस्त्र जो आज भी धरती पर मौजूद है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि ऐसी जानकारी आपको और हमको मिलती है। दोस्तों, हम भगवान कल्कि को देख पाए या नहीं ये तो हमें नहीं पता, लेकिन क्यों ना हम उनके जीवन के वृतांत को सुनकर हमारे जीवन को धन्य बनाएं। जब भी धरती पर अधर्म बढ़ता है तो भगवान विष्णु धर्म की पुनः स्थापना के लिए अवतार लेते हैं। हमारे धर्म शास्त्रों में भगवान विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मिलता है, जिनमें से 9 अवतार श्रीहरि पहले ही ले चुके हैं, जबकि 10वां कल्कि अवतार अभी होना बाकी है। तो मित्रों, आखिर कब और कहां जन्म लेंगे कल्कि? भगवान उनका ये अवतार कैसा दिखेगा और वो इस अवतार में किसका वध करेंगे? कल्कि अवतार से जुड़ी पहली बात ये है कि भगवान विष्णु का यह एकमात्र ऐसा अवतार है जिसके जन्म लेने से पहले ही उनकी जयंती मनाई जाने लगी है। दरअसल भगवान कल्कि के जन्म को लेकर कई मत हैं। एक मत के अनुसार भगवान का जन्म शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को होगा, जबकि एक दूसरे मत के अनुसार सावन मास की 6ठी तिथि को भगवान कल्कि इस धरती पर जन्म लेंगे। और मित्रों, इन दोनों ही तिथियों को आज के दौर में कल्कि जयंती के रूप में मनाया जाता है। कल्कि अवतार का विस्तृत उल्लेख हमें विष्णु पुराण में मिलता है, जिसके अनुसार भगवान कल्कि का जन्म उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के संभल गांव में होगा। उनके पिता का नाम विष्णुयश और माता का नाम सुमति होगा। और मित्रों, ये दोनों ही भगवान विष्णु के परम भक्त होंगे। तीसरा, मान्यताओं की माने तो भगवान विष्णु का ये अवतार 64 कलाओं में निपुण होगा। जब लोगों के हृदय में सिर्फ अधर्म भर जाएगा तो भगवान कल्कि ही लोगों को अधर्म से धर्म के मार्ग पर लेकर आएंगे। श्रीमद् भागवत के बारे में अध्याय में भगवान कल्कि की कथा विस्तार से दी गई है। इसमें बताया गया है कि यह अवतार भगवान विष्णु का 10वां और आखिरी अवतार है, जिसके बाद कलयुग का अंत और सतयुग की पुनः शुरुआत होगी। श्रीमद् भागवत के अनुसार भगवान राम की ही तरह भगवान कल्कि के भी 4 भाई होंगे, उनकी 2 पत्नियां भी होंगी। पहली माता लक्ष्मी के रूप में पद्मा और उनकी दूसरी पत्नी रमा होंगी। मान्यता है कि रामावतार के समय अर्थात त्रेता युग में वैष्णवी नाम की एक स्त्री ने जन्म लिया था, जिसने भगवान श्री राम से विवाह की इच्छा प्रकट की। तब भगवान राम ने ही उन्हें विवाह का वचन देते हुए अपने कल्कि अवतार के बारे में बताया था। तभी से वैष्णवी तपस्या कर रही है और उनकी तपस्या समाप्त होने के बाद कल्कि अवतार में भगवान विष्णु ही उनसे दूसरा विवाह करेंगे। चौथा, विष्णु पुराण के अनुसार भगवान परशुराम भगवान कल्कि के गुरु होंगे, इसलिए आज भी भगवान परशुराम महेंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या करके कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं ताकि वो उन्हें शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान दे सके। पांचवा, विष्णु पुराण में इस बात का भी उल्लेख मिलता है कि परशुराम जी की आज्ञा का पालन करते हुए भगवान कल्कि भगवान शिव की तपस्या करेंगे, जिसके बाद उन्हें दिव्य शक्तियां प्राप्त होंगी और उनकी मदद से ही वो अधर्मी लोगों का संहार करेंगे। छठा, मित्रों, कल्कि अवतार के बारे में यह भी कहा जाता है कि वो दुनिया के सभी राजाओं को पराजित कर उनका वध कर देंगे। वो सिर्फ इस धरती पर ही नहीं बल्कि समुद्र पर भी राज करेंगे। सातवां, जैसा कि मैंने आपको बताया कि भगवान कल्कि 64 कलाओं से युक्त होंगे, जो श्वेत रण के घोड़े पर सवार होंगे। अग्नि पुराण के 16वें अध्याय के अनुसार इस घोड़े का नाम देवदत्त होगा,
और इस अवतार में श्री हरि के एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में तीर कमान होगा, जिससे वो दुष्टों का सहार करेंगे। आठवां, इसके अलावा भगवान कल्कि के पास एक रहस्यमय तोता भी होगा, जिसका नाम शूक होगा। ये तोता भूत, वर्तमान और भविष्य काल का संपूर्ण जाता होगा, जो समय समय पर अपनी शक्तियों से भगवान कल्कि की सहायता करेगा और कई तरह की महत्वपूर्ण जानकारियां देगा। नौवा, विष्णु पुराण के अनुसार कल्कि अवतार तब होगा जब कलयुग का अंत निकट आ जाएगा, जब धरती पर हर जगह सिर्फ पाप का बोलबाला होगा, लोग अधर्मी होंगे जो सिर्फ अपने ही बारे में सोचेंगे, उन्हें न तो शास्त्रों का ज्ञान होगा और न ही उनमें संस्कार होंगे। वैसे मित्रों, अभी कलयुग का ये पहला चरण ही चल रहा है, इसीलिए कहा जाता है कि अभी कल्कि अवतार होने में समय है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये दावा करते हैं कि भगवान कल्कि का अवतार हो चुका है और भगवान कुछ समय बाद सबके सामने आएंगे। दसवां मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि सनातन धर्म में काल चक्र को चार युगों में विभाजित किया गया है, और द्वापर युग में जब भगवान कृष्ण बैकुंठ लौट गए थे, तब धरती पर कलयुग की शुरुआत हुई। ऐसे में जब भगवान कल्कि पापियों का सर्वनाश कर देंगे और वो भी बैकुंठ लौट जाएंगे, तो धरती पर भयंकर प्रलय आएगी और यहां से जीवन खत्म हो जाएगा। लगातार 12 वर्षों तक बारिश होगी, जिसके बाद पूरे जीवन की स्थापना होगी और फिर उस युग को सतयुग कहा जाएगा। मित्रों, ये वो युग होगा जिसमें हर तरफ धर्म का ही बोलबाला होगा। लोग बच्चों की तरह सच्चे मन वाले होंगे और उनके मन में एक दूसरे के प्रति बैर नहीं बल्कि प्रेम होगा और वो ईश्वर की भक्ति में लीन रहेंगे। सबसे खास बात ये कि माना जाता है कि सतयुग में मनुष्य की आयु 1,00,000 वर्ष तक और उसकी लंबाई 40 से 50 फीट तक होगी। तो मित्रों, ये थी कल्कि अवतार से जुड़ती वो 10 बातें जिनसे अधिकतर लोग आज भी अनजान हैं। अब जानते हैं कल्कि भगवान के शक्तिशाली अस्त्र शस्त्र जो धरती पर आज भी मौजूद है। दोस्तों, भगवान विष्णु ने समय समय पर इस संसार की रक्षा की है और इसके लिए उन्हें अनेक अवतार भी लेने पड़े, जैसे मत्स्य अवतार, यानी कि ये अवतार मछली की तरह दिखता है, कूर्म अवतार, ये अवतार कछुए के समान दिखता है, वराह अवतार, यह अवतार विकराल की तरह दिखता है, नरसिंह अवतार, इस अवतार में भगवान आधे शेर और आधे मनुष्य के रूप में अवतरित हुए हैं, परशुराम अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार, बुद्ध अवतार और भगवान का कल्कि अवतार। इन सभी अवतारों में हम ये जानते हैं कि कल्कि अवतार को छोड़ डीएच कर भगवान विष्णु और सभी अवतारों में अवतरित हो चुके हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते हैं कि भगवान कल्कि अवतार ले चुके हैं या फिर भविष्य में अवतार लेने वाले हैं। दोस्तों, भगवान विष्णु ने आज तक जितने भी अवतार लिए हैं, वो सारे अवतार काल चक्र के अलग अलग युगों में हुए। जैसे सतयुग में मत्स्य अवतार हुआ, त्रेता युग में राम अवतार हुआ, द्वापर युग में कृष्ण अवतार हुआ और कल युग में भगवान विष्णु का अंतिम कल्कि अवतार होगा, ऐसा भविष्य पुराण में लिखा हुआ है। दोस्तों, भगवान विष्णु ने जब जब अवतार लिए हैं, तब तब उनके अवतारों में अलग अलग शक्तियां होती थीं और वे अलग अलग अस्त्र एवं शस्त्रों से लैस होते थे। भगवान परशुराम फरसे का प्रयोग करते थे, भगवान राम धनुष एवं बार का प्रयोग करते थे, भगवान कृष्ण सुदर्शन चक्र का प्रयोग करते थे। लेकिन दोस्तों, क्या आपको ये पता है कि भगवान विष्णु जब कल्कि अवतार लेंगे तो उनके पास कौन कौन से अस्त्र एवं शस्त्र होंगे? भगवान श्री कल्कि की भक्ति इस समय ऐसे कवच के समान है जो हमारी हर प्रकार से रक्षा कर सकती है। भगवान श्री कल्कि की भक्ति व्यक्तिगत न होकर के समष्टिगत है। जो भी व्यक्ति भगवान श्री कल्कि की भक्ति करता है, वो ये चाहता है कि भगवान जल्दी से जल्दी इस धरती पर आए और सभी बुराइयों एवं दुष्टों का नाश कर दें। दोस्तों, कल युग यानी कि कलह कलेश का युग, जिस युग में सभी के मन में असंतोष हो, सभी मानसिक रूप से दुखी हो, वह युग कल युग है। कहा जाता है कि कलयुग की शुरुआत महाभारत काल से ही हो गई थी और तभी से कलयुग ने अपना कार्य करना शुरू कर दिया। कलयुग के कारण लोगों के मन दूषित होने लगे, उनके मन में औरों के प्रति घृणा उत्पन्न होने लगी और पुराणों में लिखा है कि जब जब संसार में पाप बहुत ज्यादा बढ़ा है, तब तब भगवान अवतरित होकर उन दुष्टों एवं पाप का नाश किया है। जब भगवान कल्कि जन्म लेंगे तो उन्हें अस्त्र एवं शस्त्र और युद्ध में लड़ने की सभी विद्याएं भगवान परशुराम जी सिखाएंगे, वहीं उनके गुरु कहलाएंगे।
और आज भी इस कलयुग में वे जीवित हैं और वे महेंद्र पर्वत पर निवास करते हैं और वहीं पर वे ध्यान में लीन रहते हैं। दोस्तों, हमारी धरती पर कुछ ऐसे शक्तिशाली अस्त्र एवं शस्त्र छुपे हुए हैं जो महाविनाशक है, और उन शस्त्रों को भगवान कल्कि धारण करके समस्त संसार से पापियों का अंत करेंगे। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं भगवान कल्कि के दिव्य अस्त्र शस्त्रों और उनकी दिव्य शक्तियों और सुदर्शन चक्र का रहस्य। शिव पुराण के अनुसार सुदर्शन चक्र का निर्माण भगवान शिव ने किया था। शिव ने यह भगवान विष्णु को श्रेष्ठ संचालन के लिए दिया था। अन्य पुराणों में भी बताया गया है कि सुदर्शन चक्र का निर्माण विश्वकर्मा जी ने किया था। सूर्य की अवैध राग ऐसी उन्होंने तीन चीजों का निर्माण किया था, पुष्पक, विमान, त्रिशूल और सुदर्शन चक्र। दोस्तों, जब भगवान श्री कृष्ण ने देह त्याग किया था तब सुदर्शन चक्र का क्या हुआ, इसका जवाब हमें भविष्य पुराण में मिलता है, जिसमें बताया गया है कि सुदर्शन चक्र को भगवान विष्णु या फिर उनके अवतार के सिवा और कोई धारण कर ही नहीं सकता और न ही कोई चला सकता है। जब भगवान श्री कृष्ण ने देह त्याग किया तब सुदर्शन चक्र वहीं पर पृथ्वी में समा गया, और जब भगवान कल्कि अवतार लेकर धरती पर जन्म लेंगे तब वो सुदर्शन चक्र को दोबारा पृथ्वी के गर्भ से धारण करेंगे। कहा जाता है कि कलयुग के अंत के समय जब बुराई अपने चरम पर होगी तब युद्ध में कल्कि अवतार सुदर्शन चक्र को धारण कर संसार में व्याप्त सभी बुराइयों का अंत कर देंगे। कल्कि अवतार का घोड़दा। दोस्तों, पुराणों में दी गई जानकारी के मुताबिक कल्कि अवतार के पास एक घोड़ा होगा जो सफेद रंग का होगा। वो बहुत ही ज्यादा फुर्तीला और शक्तिशाली होगा। उसका नाम देवदत्त होगा और उसी पर सवार होकर भगवान कल्कि पापियों का अंत करेंगे। कर्ण का कवच धारण करेंगे कल्कि अवतार। दोस्तों, इंद्रदेव ने कर्ण के कवच को ले तो लिया था लेकिन छल से पाई गई कोई भी चीज इंद्रदेव अपने साथ स्वर्ग लोक नहीं ले जा सकते। तत्पश्चात इंद्र ने कर्ण के कवच और कुंडल को धरती लोक पर समुद्र के किनारे किसी गुप्त जगह पर छुपा दिया। उसके बाद चंद्रदेव की उस पर नजर पड़ी और वह उसे चुरा कर भाग रहे थे। तब समुद्र देव ने चंद्रदेव से कवच और कुंडल को बचाया। ऐसा माना जाता है कि तब से सूर्य देव और चंद्रदेव इस कवच और कुंडल की रक्षा कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अगर हम सूर्य देव और समुद्र देव की कहानी को समझे तो वह जगह जहां पर सूर्य की रोशनी सबसे पहले समुद्र को छूती हुई प्रतीत होती हो, यानी कि उड़ीसा शहर, वहां पर पूरी गांव के निकट कोणार्क का सूर्य मंदिर जिसे 13वीं शताब्दी में बनवाया गया था। वैसे तो इस मंदिर को कई बार बनवाया गया लेकिन आक्रमणकारियों द्वारा इसे बहुत बार तोड़ा भी गया था। प्राचीन काल से यहां सूर्य मंदिर बनाया गया है और कभी भी इस मंदिर में पूजा करने के कोई भी सबूत नहीं मिले। सोचने की बात तो यह है कि क्यों बार बार इस मंदिर को तोड़ा जाता था। आखिर आक्रमणकारी वहां पर क्या ढूंढने की कोशिश करते थे? कहीं बाहकण के कवच और कुंडल तो नहीं थे? ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर के नीचे गुप्त गुफा जाती है जहां पर कर्ण के कवच और कुंडल रखे हुए हैं और उनकी रक्षा तक्षक नाग करता है। आज के समय में कवच और कुंडल का रहस्य सिर्फ चिरंजीवी लोग ही जानते होंगे, जैसे कि हनुमान जी, परशुराम जी। आज अगर वह कवच और कुंडल किसी भी इंसान के हाथ में लग जाए तो वह सबसे शक्तिशाली बन जाएगा। और क्या आप सोच सकते हैं कि इस पाप भरी दुनिया का वो और क्या हाल करेगा? कई ग्रंथ और कहानियों में ऐसा लिखा गया है कि भगवान विष्णु के 10वें अवतार यानी कि भगवान कल्कि, उन्हीं को इस कवच की पूरी सच्चाई पता होगी और वही अवतार इस कवच और कुंडल को उस गुफा से निकालकर प्रयोग करेंगे। दोस्तों, 64 कलाओं से युक्त कल्कि अवतार जब कली पुरुष से युद्ध करेंगे तो वे युद्ध के दौरान कवच और कुंडल को अपने शरीर पर धारण करेंगे। उस कवच और कुंडल में इतनी शक्ति होगी कि वो कल्कि अवतार को बढ़े से बढ़े अस्त्र शस्त्र और ताकतवर से भी ताकतवर हथियार से बचाएगा, और तब जाकर महाबली महाशक्तिशाली श्री कल्कि भगवान कली पुरुष जैसे महाशक्तिशाली असुर का वध करेंगे। कल्कि अवतार और ब्रह्म पदार्थ का रहस्य। दोस्तों, जगन्नाथपुरी मंदिर देश का यह ऐसा अनोखा मंदिर है जहां भगवान जगन्नाथ, उनके भ्राता बाल भद्र और उनकी बहन सुभद्रा की काठ की यानी कि लकड़ी की मूर्तियां विराजमान है।
इस मंदिर की अनेक ऐसी मान्यताएं और विशेषताएं हैं जो आज भी लोगों के लिए रहस्य बनी हुई है। दोस्तों, इस मंदिर से जुड़ी एक मान्यता यह है कि जब भगवान जगन्नाथ यानी कि भगवान कृष्ण ने अपने शरीर का त्याग किया था और उनके अंतिम संस्कार के दौरान उनका पूरा शरीर पंच तत्व में विलीन हो गया था, परंतु उनका देह का एक भाग शेष रह गया और वो था उनका हृदय। लोगों की मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण का हृदय एक जीवित व्यक्ति की भांति धड़कता रहता है और वो आज भी भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के अंदर सुरक्षित है। दोस्तों, पूरी स्थित जगन्नाथ मंदिर में तीनों मूर्तियों को प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार बदलने की प्रथा है, अर्थात पुरानी मूर्तियों के स्थान पर नई मूर्तियां हर 12 साल बाद बदल दी जाती है। हालांकि इस मंदिर में मूर्तियों को बदलने से जुद्धा एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा है। जिस समय पुरानी प्रतिमाओं के स्थान पर नई प्रतिमाएं रखी जाती है, उस समय पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है, मंदिर के चारों तरफ घोर अंधकार कर दिया जाता है, यहाँ तक कि मंदिर के परिसर और बाहर की तरफ CRPF के जवानों को तैनात कर दिया जाता है। जिस समय मूर्तियां बदली जाती है, उस समय मंदिर के अंदर सिर्फ उन्हीं पुजारियों को मंदिर में जाने की अनुमति होती है जिन्हें मूर्तियां बदलनी होती है। यहाँ तक कि मूर्तियों को बदलने वाले पुजारियों की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और हाथों में दस्ताने पहनाए जाते हैं। यह प्रक्रिया पूरी होने के उपरांत ही प्रतिमाओं को बदलने का कार्य किया जाता है। मूर्तियों को बदलने के साथ ही एक ऐसी चीज है जो कभी नहीं बदलती और वो है ब्रह्म पदार्थ। मूर्तियों को बदलने के दौरान पुरानी मूर्ति से ब्रह्म पदार्थ को निकालकर नई मूर्ति में लगा दिया जाता है। वास्तव में ब्रह्म पदार्थ क्या है, इसके बारे में अभी तक किसी के पास कोई भी जानकारी नहीं है। सभी को सिर्फ इतना मालूम है कि यह ब्रह्म पदार्थ वर्ष में इस मूर्ति से निकालकर उस मूर्ति में लगा दिया जाता है। ब्रह्म पदार्थ को लेकर मान्यता यह भी है कि यदि किसी ने इसे देख लिया तो उसके शरीर के चिथड़े उड़ जाएंगे। कुछ लोगों का मानना है कि इसे देखने वाले व्यक्ति की तत्काल मृत्यु हो जाएगी। तो दोस्तों, अब आप जरा सोचिए कि ब्रह्म पदार्थ जो इस संसार में इतना शक्तिशाली है, जिसे देखने वाले के चिढ़े उड़ा जाते हैं, उसमें कितनी शक्तियां होंगी। और बढ़ी ढी बात तो ये है कि इसे भगवान कृष्ण का दिल कहा जा रहा है और ये भी कहते हैं कि उनके दाह संस्कार के बाद भी यह लगातार ढक रहा है। हो न हो, इस ब्रह्म पदार्थ में यानी कि भगवान कृष्ण के दिल में असीमित शक्तियां है। कुछ लोगों का कहना है कि कहीं इसका संबंध कल्कि अवतार से तो नहीं है, क्योंकि इतने शक्तिशाली ब्रह्म पदार्थ को भगवान के अवतार के अलावा और कोई संभाल ही नहीं सकता। और कुछ लोग बताते हैं कि जरूर भगवान कल्कि इस ब्रह्म पदार्थ की सारी ईश्वरी शक्तियों को खुद में समाहित कर लेंगे। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि आखिर अश्वत्थामा से कब मिलेंगे कल्कि अवतार। क्या सचमुच कलयुग के अंत में कल्कि अवतार की सहायता करेंगे अश्वत्थामा? अश्वत्थामा महाभारत के युद्ध का वो योद्धा जिससे शायद ही कोई अनजान होगा। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे। जन्म के समय रोते हुए मुख से घोड़े की हिन हिन आने की आवाज आने के कारण द्रोणाचार्य ने इनका नाम अश्वत्थामा रखा। पुराणों की माने तो अश्वत्थामा के अभी तक कलयुग में जीवित होने के कई सारे किस्से और प्रसंग आज भी मिलते हैं। कहते हैं वह स्वयं भगवान शिव के रौद्र रूप का एक अंश थे। अश्वत्थामा को मिले श्राप का किस्सा तो आप सब जानते ही होंगे। महाभारत के युद्ध के अंतिम समय भीम द्वारा दुर्योधन को हराकर उसकी जांग तोड़ ढह दी गई थी। तब पांडव वहां से अपने शिविर की ओर निकल गए थे। दुर्योधन और अश्वत्थामा दोनों के बीच वार्तालाप हुआ और अश्वत्थामा ने कुकर्म की नीति बनाई जिसमें उन्होंने एक रात पांडवों के शिविर में घुसकर पांडवों की हत्या करनी चाही, जिसकी भनक भगवान श्री कृष्ण को पहले ही लग चुकी थी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण उस रात सभी पांडव भाइयों को किसी विशेष काम से ले गए। तभी पीछे से अश्वत्थामा ने शिविर में घुसकर पांडव समझकर उनके पुत्रों की हत्या कर दी और सभी शिविरों में आग लगा दी। साथ ही साथ उन्होंने अपने पिता गुरु द्रोणाचार्य के हत्यारे यानी कि दृष्टद्युम्न को भी खत्म कर दिया। तभी वहां पर अर्जुन और बाकी पांडव पहुंचे, जिन्हें वापस आता देख अश्वत्थामा ने एक घास का दिनका उठाकर ब्रह्मशिरस्त्र का सर्जन किया और पांडवों की ओर प्रहार किया।
तभी अर्जुन ने भी ब्रह्मशिर अस्त्र को अपनी ओर आते हुए देखा तो अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया। अब ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई थी कि दोनों महान योद्धाओं के शक्तिशाली अस्त्र आमने सामने थे। यदि इनका मिलाव हो जाता या आपस में टकरा जाते तो पूरे संसार का विनाश निश्चित था। इस भीषण विनाश को रोकने के लिए भगवान कृष्ण ने दोनों ही योद्धाओं को होने वाले विनाश की चेतावनी देते हुए अपने अपने शस्त्रों को पीछे लेने के लिए कहा। भगवान कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने तो अपना शस्त्र पीछे ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा को इस विद्या का कोई भी ज्ञान नहीं था। इसीलिए अश्वत्थामा ने अपना शस्त्र उत्तरा के गर्भ की ओर मोद्दह दिया। उत्तरा अभिमन्यु की पत्नी थी, जिनसे उन्हें जल्द ही एक संतान प्राप्त होने वाली थी। अश्वत्थामा के शस्त्र की बदौलत उत्तरा का गर्व नष्ट हो गया, लेकिन बाद में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा उस बालक को पुनः जीवित किया गया, जिसका नाम परीक्षित पड़िदिध्या, जिसने आने वाले समय में पांडवों के साम्राज्य को चलाया। लेकिन उसी समय भगवान श्री कृष्ण अश्वत्थामा पर पूरी तरह से क्रोधित हो उठे। उन्होंने अश्वत्थामा को श्राप दिया कि तुम अपने शरीर पर अनगिनत घाव लेकर युगो युगो तक जंगलों में भटकते रहोगे, परंतु तुम्हें मृत्यु तक नसीब नहीं होगी। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के माथे से उसकी शक्तिशाली मणि छीन ली, जो कि अश्वत्थामा की शक्ति का स्रोत था। ऐसे भयानक श्राप को लेकर अश्वत्थामा वहां से चला गया। परंतु अब सोचने वाली बात यह है कि महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा से भी बढ़े पाप करने वाले कई सारे लोग मौजूद थे, परंतु फिर भी अश्वत्थामा को इतनी बड़ी सजा क्यों मिली? तो कई पुराण बताते हैं, जब कलयुग अपने अंतिम समय पर होगा, कलयुग का राक्षस कली पुरुष चारों ओर अधर्म फैला रहा होगा, तब भगवान विष्णु का अंतिम अवतार यानी कल्कि अवतार जन्म लेंगे और उसकी सहायता हेतु 7 चिरंजीवी योद्धा कल्कि अवतार के साथ आएंगे, जिनमें से एक चिरंजीवी योद्धा होंगे अश्वत्थामा। वहीं बड़े जानी और पुराण बताते हैं कि कृष्ण द्वारा अश्वत्थामा को कुशाप देना मात्र एक जरिया था, परंतु भगवान श्री कृष्ण का उद्देश्य बिल्कुल अन्य ही था। कली पुरुष चारों युगों में सबसे अधिक शक्तिशाली राक्षस के रूप में जन्म लेगा, जिसके अंत हेतु कई प्रकार की शक्तियों की आवश्यकता होगी। इस बात का ज्ञान भगवान श्री कृष्ण को शायद पहले ही था। इसी कारण से भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया, जिससे समय आने पर अश्वत्थामा कली पुरुष का अंत करने में कल्कि अवतार जी की सहायता कर सके। कहा जाता है कि एक समय ऐसा भी आएगा जब कली पुरुष की सेना से युद्ध लड़ डहनने के लिए कल्कि अवतार को एक सेनापति की आवश्यकता पड़ेगी और उस कमी को पूरा करेंगे अश्वत्थामा। इसके साथ उनकी शक्ति स्रोत यानी उनकी मणि उन्हें वापस प्राप्त होगी और इस बार वो अधर्म नहीं बल्कि धर्म का साथ देंगे। यही एक कारण है जिसके कारण श्री हनुमान जी साथ ही श्री परशुराम आज तक अजर अमर है। कुल मिलाकर 7 चिरंजीवी आज भी जीवित है और उनके जीवित होने के सबूत भी मिलते हैं। जब कली पुरुष चारों तरफ अंधकार फैला देगा और साथ ही अधर्म का बोलबाला होगा, उस समय कल्कि अवतार इस धरती पर जन्म लेंगे। भगवान परशुराम द्वारा उन्हें शिक्षा प्रदान होगी और उसके बाद उनकी भेंट होगी स्वयं अश्वत्थामा से। मित्रों, अब जानते हैं कलयुग में भगवान कल्कि के शरीर पर कुछ ऐसे चिन्ह होंगे जिनसे हम यह झांक कर पाएंगे कि यही कल्कि भगवान है। जब किसी भी महान पुरुष की पहचान करनी होती है तो तब हम उनकी पहचान उनके गुणों और उनके कर्मों से की जाती है। इसके अलावा उनके शरीर पर ऐसे कुछ खास चिन्ह भी होते हैं जिनसे हम उनका पता लगा सकते हैं। इसी तरह से भगवान कल्कि की भी एक अलग पहचान होगी। कलयुग के समय में हम भगवान कल्कि के कार्यों से तो अवगत हो जाएंगे। वह कलि राक्षस से युद्ध करेंगे और कलयुग में वो सभी अधर्मों का विनाश कर धरती को पापों से मुक्त कर पाएंगे। परंतु उनके शरीर पर कुछ ऐसे खास निशानियां होंगी जिनसे हम उनको पहचान सकते हैं। भगवान विष्णु हर युग के अंतिम समय में जन्म लिया है। त्रिदेवों में से भगवान विष्णु का कार्य यह है कि सृष्टि का पालन करना। जब भी इस धरती पर जन्म लेते हैं तब विशेष शक्तियों के साथ जन्म लेते हैं। कल युग में भगवान विष्णु कल्कि अवतार लेंगे, इस धरती पर जन्म लेकर और इस धरती को पापियों से मुक्त करेंगे, तभी बुराइयों का अंत होगा।
भगवान कल्कि अवतार की पहचान उनके शरीर पर लगी उस कौस्तुभ मणि से होगी। उस मणि का नाम होगा कौस्तुभ मणि। यह कोई साधारण मणि नहीं है, इसे स्वयं भगवान विष्णु धारण करते हैं। इस मणि की उत्पत्ति समुद्र मंथन के दौरान हुई थी। पुराणों के अनुसार समुद्र मंथन के समय प्राप्त 14 रत्नों में से एक है। कहा जाता है कि यह मणि आज भी हमारे पृथ्वी पर है। पद्मनाथ स्वामी मंदिर में 7वें दरवाजे के पीछे यह मणि छुपी हुई है। आज तक कोई भी मनुष्य इस 7वें दरवाजे को खोल नहीं पाया है। जब कल की भगवान इस धरती पर जन्म लेंगे तब उस मंदिर के इस दरवाजे को खोलकर उस मणि को वह प्राप्त कर लेंगे। महाभारत में अश्वत्थामा के पास भी कुछ इसी प्रकार की मणि थी। उसके पास जन्म से ही उसके माथे पर ये मणि लगी हुई थी। उस मणि के कारण वह इतना ज्यादा शक्तिशाली और अमर हो गया था कि वह आज भी जिंदा है। उसे कोई भी राक्षस मार नहीं सका। इसके अलावा भगवान कल्कि के माथे पर आधे चंद्र के आकार जैसा चिन्ह बना होगा। इस प्रकार का एक और चिन्ह उनके गले पर भी बना होगा। कल्कि दिखने में तो एक साधारण मनुष्य की तरह होंगे, परंतु उनकी शक्तियां अद्भुत होंगी। ऐसी शक्तियां किसी में नहीं होगी। कल्कि अवतार के माथे पर एक चंद्र के आकार का विशेष चिन्ह होगा। इसका मतलब उनका मुख्य चंद्र के मुख्य जैसा तेज वाला होगा। द्वापर युग के समय में भी इस प्रकार चिन्ह श्री कृष्ण के माथे पर भी था। अब कलयुग में भगवान कल्कि के माथे पर भी इसी प्रकार का चिन्ह होगा। इसके अलावा भगवान कल्कि विशेष ज्ञान और कौशल के साथ इस धरती पर अपना आखिरी अवतार लेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि भगवान कल्कि जी की ऐसी जानकारी आप तक सबसे जल्दी पहुंचे।